अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक विथ न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ फॉर समर। ये डिज़ाइन तकरीबन 7-8 साल पहले मैं पहले भी बना चुकी हूँ, जो कि मैंने रिक्रिएट किया है। जो पुराना सूट है वो पता नहीं कहाँ हो गया, लेकिन अब मैंने इसको रिक्रिएट किया है। तो अब ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे पास ये मल्टी कलर की शर्ट है। इसमें हमने नेक डिज़ाइन में इसका मैंने बोर्ड गला बनाया है इस तरह से, और ग्रीन कलर में मैंने इसकी लेस लगा दी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। जो पुराना सूट था उसके एक तरफ मैंने बटन पट्टी भी की थी, लेकिन इसमें मैंने नहीं किया है। इस तरफ हमने जो है वो एल शेप में सेंटर लेस लगाई है। ये आप देख सकते हैं, अक्सर हम यू शेप में लगाते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ पर एल शेप पे लगाया है। पिंक के साथ कंट्रास्ट इसका ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने पिंक कलर के सेंटर लेस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। पुराने सूट में इस साइड पे जो है वो हमारी बटन पट्टी थी, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं की है। अब इसमें जो जो कलर्स हैं, पर्पल, ग्रीन और येलो, तो ये मैंने इन्हीं कलर्स में लेस लगा ली है साइड पर इस तरह से वी शेप में। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए मैंने ये लेस लगा ली है इस तरह से। अब आते हैं जी इसकी स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स पे भी मैंने इन्हीं लेसेस का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं, ग्रीन के बाद मैंने सेंट्रल लेस लगाई है, उसके बाद पर्पल, येलो, और नीचे हमने जो गले में लेस लगाई थी वही मैंने यहाँ पर लगा दी है इस तरह से। इसमें एक गोल्डन शेड भी आ रहा है, ग्रीन शेड भी आ रहा है। इसके बाद इसके चाक पट्टी पे पिंक कलर की मैंने पाइपिंग की है वाइट स्लिट लगा के। वाइट अंदर से स्लिट लगाने से आपकी कुर्ती में एक बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। नीचे मैंने वही लेस इस्तेमाल की है जो हमने गले और आस्तीन के आस्तीन में लगाई थी। ये आप देख सकते, इस तरह से आपकी शर्ट में वॉल्यूम भी आ जाता है और थोड़ी भारी भी हो जाती है इस तरह से। ये देखें कितना प्यारा लुक दे रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट्स में लाजमी बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।